हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास बिलोंगिंग ऑल द स्टूडेंट क्लास 12 बाय मी इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आज के इस ऑनलाइन क्लास में, इस वर्चुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू रीड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 5 ए लैमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शेली। डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास यू हैव रीड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 5 ए लैमेंट बाय पीबी शेली अबाउट द राइटर बट पोएट। इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास यू हैव रीड अबाउट पोएट एंड आफ्टर देन यू हैव रीड अबाउट पोएम, यू हैव रीड आल्सो अबाउट सेंट्रल आइडिया, यू नो द पोएम लैमेंट सेंट्स पी बी शेली एज ए पेसिमिस्टिक मैन। दिस पोएम प्रेजेंट्स शेलीज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस कंसिडरेशन। द वर्ड लैमेंट मीन्स वीपिंग, सो द पोएट एडमिट्स दिस वर्ड इज डी वर्ड ऑफ ब्यूटी एंड जॉय। दिज फीलिंग्स मेक हिम सॉरोफुल, यू नो पी बी शेली हैड डाइड इन प्री मेच्योर एज एट द एज ऑफ 29 एंड आफ्टर 28 ईयर्स ही फेल्ट दैट ही विल नॉट लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम इन दिस वर्ल्ड, सो पी बी शेली बिकेम सो अनहैप्पी। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब पी बी शेली की अवस्था 28 वर्ष की हुई, उसी समय पी बी शेली को पता चल जाता है कि उन्हें अब इस दुनिया में अधिक समय तक जीवित नहीं रहना है। जब उन्हें यह पता चल जाता है कि वे अब इस दुनिया में बहुत अत्यधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि जो भी प्रकृति के द्वारा दी गई सुंदरता है, जो भी लाइफ में गेन करना है, अब वह उन चीज़ों को गेन नहीं कर पाएंगे, अब पी बी शेली उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पी बी शेली बड़े ही दुखी होते हैं, बड़े ही परेशान हो जाते हैं और अपने दुख को इस लैमेंट माने होता है विलाप करना, रोना, इस लैमेंट के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया भी आपको बता दिया गया था पिछले ऑनलाइन क्लास में कि द पोएम ए लैमेंट इज अबाउट द लॉस ऑफ यूथ एट ए स्टेज चेंजेज सर्टेनली टेक प्लेस। मैन हैज टू अंडरगो सच चेंजेस। इन दिस पोएम द पोएट फील्स सॉरो एट द लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। द पोएट्स इंटेंस पर्सनल इमोशन ऑफ सैडनेस हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम। द पोएट लैमेंट्स द लॉस ऑफ हिज कैपेसिटी टू बी हैप्पी। डियर स्टूडेंट, दिस इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यानी कविता लैमेंट या विलाप युवावस्था की हानि के विषय में है। एक अवस्था में परिवर्तन अवश्य ही होते हैं, यानी आदमी जब पैदा होता है तो बच्चा होता है, धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ती है, किशोरावस्था को प्राप्त करता है, युवावस्था को प्राप्त करता है,
उसके बाद ओल्ड एज को प्राप्त करता है, बुढ़ापावस्था को प्राप्त करता है, उसके बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए एक अवस्था में परिवर्तन अवश्य ही होता है, मनुष्य को इन परिवर्तनों को झेलना होता है, हर एक व्यक्ति को इन परिवर्तनों को झेलना होता है। इस पोएम में, इस कविता में कवि आत्मविश्वास तथा आशावादिता की हानि पर दुख प्रकट करता है। इस कविता में कवि के व्यक्तिगत तीव्र एवं उदासीपूर्ण भावों को व्यक्त किया गया है। कवि सुख की क्षमता की हानि पर दुख प्रकट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह है सेंट्रल आइडिया। कम टू फर्स्ट स्टैंजा। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर। कम टू द मीनिंग। ओ वर्ल्ड संसार, ओ लाइफ जीवन, ओ टाइम समय, ऑन हूज जिसके लास्ट अंतिम, स्टेप स्टेप मीन्स द वे दैट वी वॉक, जिस मार्ग पर हम चलते हैं यानी जीवन का मार्ग। लास्ट स्टेप, देखिए लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप द डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ द लाइफ टाइम, जीवन का अंतिम पड़ाव। ट्रेम्बलिंग शेकिंग वन सेल्फ, किसी के लड़खड़ाने की दशा। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड, स्टूड खड़ा होना बिफोर पहले, वेन कब, विल गागेगी रिटर्न लौटना, द ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है प्राइम, द फेम प्रेज आर ऑनर, प्रसिद्धता प्रशंसा या सम्मान, ऑफ योर प्राइम, प्राइम द पीरियड ऑफ यंग एज, युवावस्था का समय, नो मोर कभी नहीं, ओ नेवर मोर कभी नहीं। कम टू ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। कवि पी बी शेली ए लैमेंट कविता में स्वयं को एक निराशावादी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं हुए संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हैं। देखिए संसार, जीवन और समय, वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम। कवि संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हैं कि सब संसार, जीवन और समय सभी निरर्थक हैं, यह सब आनंद विहीन हो गया है। जब मैं युवा था तब यह आनंदपूर्ण था, अब मेरा जीवन निरर्थक है, इसलिए अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। देखिए ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कवि पी बी शेली कहते हैं हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। आगे कहते हैं कि उसकी युवावस्था के समय से अब का समय बदल गया है। युवावस्था के समय उसके कदम दृढ़ थे, किंतु अब वृद्धावस्था में कमजोरी से कांपते हैं। ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मैं किंतु अब वृद्धावस्था में कमजोरी से कांप रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि उसका वह प्रसिद्धि तथा सम्मान का समय अब कभी नहीं लौटेगा। देखिए ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर मैं हूँ यानी अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अब मैं उस स्थान पर चढ़ते हुए कांप रहा हूँ जिस स्थान पर मैं पहले आराम से खड़ा होता था, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरे युवावस्था का समय कब वापस लौटेगा, नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं, अरे कभी नहीं आएगा। कम टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस
दिज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम एलाइनमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शेली. कॉन्टेक्स्ट: दिज लाइन्स एक्सप्रेसेस द सैडनेस ऑफ द पोएट बिकॉज द वर्ड एंड लाइफ हैव बिकम मीनिंगलेस टू द पोएट. ही हैज नो जॉय एट ऑल. कम टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम नो मोर ओ नेवर मोर. द पोएट एड्रेसेस द वर्ड लाइफ एंड टाइम. द पोएट एड्रेसेस द वर्ड द लाइफ एंड द टाइम. दीज वर्ड्स रिवील द एगोनी ऑफ हिज हर्ट. द वर्ड हैज टर्न्ड चार्मलेस टू द पोएट. इट वॉज चार्मिंग वेन ही वॉज यंग. लाइफ ऑल्सो हैज नो चार्म टू हिम. इट इज सो बिकॉज ही इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ. एट दिस स्टेज वन हैज नो जॉय ऑफ लाइफ. अगेन ही सेज दैट द टाइम ऑफ हिज यूथ हैज ऑल्सो चेंज्ड. द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू हिज ओल्ड एज. ही हैज लॉस्ट द पावर ऑफ परफॉर्मेंस इन द यंग एज. हिज फीट वेयर स्टीडी. ही स्टूड फर्मली बट नाउ इन हिज ओल्ड एज ही ट्रेम्बल्स विथ वीकनेस. ही रियलाइजेज दैट द पीरियड ऑफ हिज फेम एंड ऑनर विल नेवर कम अगेन. सो वी सी द पेसिमिस्टिक व्यूज ऑफ द पोएट इन दीज लाइन्स. कम टू सेकंड स्टैंजा. आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फैंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर. देखिए आउट ऑफ द डे एंड नाइट. आउट बाहर बाय डे एंड नाइट 24 आवर्स दिन और रात. ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट. जॉयज हैज टेकन फ्लाइट. द जॉयज हैज गॉन फॉर एवर. सुख सदैव के लिए चला गया. फ्रेश स्प्रिंग ताजी वसंत ऋतु. एंड समर ग्रीष्म ऋतु. एंड विंटर जाड़े का मौसम. होर सताना मूव माई फैंट हर्ट. फैंट हर्ट वीक हर्ट. जॉयलेस हर्ट आनंद रहित हृदय. विथ ग्रीफ दुख बट विथ डिलाइट. डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस प्रसन्नता. नो मोर ओ नो नेवर मोर. आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट. दिन और रात के समय भी मुझे सुख नहीं मिलता. प्रकृति में सभी आनंद होते हैं. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फैंट हर्ट विथ ग्रीप बट विथ डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर. दिन और रात के समय भी मुझे सुख नहीं मिलता. प्रकृति में सभी आनंद होते हैं. इसमें ताजगी प्रदान करने वाली बसंत ऋतु प्रकृति में मनमोहकता लाती है. ग्रीष्मकाल पेड़ों पौधों तथा फूलों में परिवर्तन लाता है. शीतकाल भी प्रसन्नता देती है. लेकिन प्रकृति का कोई भी पदार्थ सुख तथा सांत्वना मुझे प्रदान नहीं करता है. ये सभी मेरे लिए या ये सभी मेरे दुखी हृदय को अत्यंत कष्ट पहुंचाते हैं. जहां तक प्रसन्नता का सवाल है यह मुझे अब जीवन में नहीं मिलेगा. कभी नहीं मिलेगा. सो कम टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. आउट ऑफ द डे एंड नाइट. द पोएट डिस्क्राइब्स दैट विद इन 24 आवर्स. देखिए डे एंड नाइट 24 आवर्स हमेशा. आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट. विद इन 24 आवर्स द पोएट हैज नो जॉय एट ऑल. दीज आर द सब्जेक्टिव व्यूज ऑफ द पोएट. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फैंट हर्ट विथ ग्रीप बट विथ डिलाइट. नेचर कॉन्टेंट्स ऑल जॉय.
इट हैज रिफ्रेशिंग स्प्रिंग द स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स चार्म्स इन द नेचुरल एटमॉस्फियर द समर सीजन ब्रिंग्स चेंजेज इन ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड दे लुक मोर चार्मिंग द विंटर सीजन आल्सो गिव्स जॉय टू ऑनलुकर्स द पार्टिकल्स ऑफ ड्यू ड्यूरिंग द विंटर अट्रैक्ट ऑल बट मूव माई फैंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर बट नाइदर ऑफ दिज सब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर प्रोवाइड्स द पोएट विद हैप्पीनेस आर जॉय ऑल दिज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर काज ग्रेट सारो टू द फैंट हार्ट ऑफ द पोएट एज फार एज द जॉय इज कंसर्न्ड ही शैल हैव नो मोर इन लाइफ द पोएट लैक्स ऑप्टिमिज्म आल्सो सो डियर स्टूडेंट इन दिस वे क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 5 ए लैमेंट हैज बीन ओवर आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू मे फाइंड एनी बॉदरेशन एनी डाउट देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी थैंक यू